लोकसभा चुनाव को लेकर देवरिया जनपद में मतगणना जारी है। ऐसे में आज पूरे देश भर में मतगणना हो रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ गठबंधन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के बीच होड़ लगी है कि आखिर कौन जीतेगा। उससे पहले बी न्यूज़ की टीम लगातार देवरिया जनपद के मतगणना स्थल पर मौजूद है और पल पल की अपडेट बता रही है। ऐसे में आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि देवरिया जनपद में दो स्थलों पर मतगणना हो रहा है। वहीं मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी से शशांक मणि त्रिपाठी आगे चल रहे हैं, दूसरी तरफ सलेमपुर लोकसभा सीट से रविंद्र कुशवाहा और राजभर आगे पीछे चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आज अंतिम दिन, आज कहें तो आज मतगणना हो रहा है और मैं देवरिया जनपद के महाअग्रसेन इंटर कॉलेज में मौजूद हूँ, जहाँ से शशांक मणि त्रिपाठी आगे चल रहे हैं। वहीं मैं बात करूँ तो लोकसभा सलेमपुर से वहाँ से रविंद्र कुशवाहा पाछे चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उनको लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जहाँ आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, लोग अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो वहीं बी न्यूज़ की टीम लगातार आपके लिए पल पल की अपडेट देने के लिए जहाँ मतगणना हो रही है उस स्थल पर मौजूद है और पल पल की अपडेट बता रही है। जैसे कि आपको बता दें कि आज ये जो 4 तारीख है, काफ़ी देश के लिए और हमारे लिए भी आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होना है, क्योंकि यहाँ आज ही के दिन एक सरकार तय होगी कि भारत का कौन नेतृत्व करेगा, कौन आज केंद्र में सरकार होगा, कौन आपका प्रधानमंत्री बनेगा।